फ्रेंड, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो सुपर स्प्लेंडर जो है 125 सीसी जो है, इस तरह की खड़े इंजन वाली जो बाइक है, इस तरह का जो अगर चौक केबल जो अगर आपकी बाइक का ये जो जाम हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो कुछ इस तरह से इसका जो है ये चौक केबल होता है। और इसका पार्ट नंबर और MRP आप देख सकते हैं। MRP जैसे कि आप देख सकते हैं 60 रुपये है। आपको मैं क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से इसका देख सकते हैं ये 60 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे बीच में बिंदा दिया गया है। बाकी इसका जो है पार्ट नंबर देख सकते हैं, यही है 17950 और AA GG, यही जो है ये इसका AA GG जो है इसके पार्ट नंबर करके जो है। इस तरह का जो अगर आप पार्ट नंबर का जो आप केबल मांगेंगे तो जो है चौक केबल आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि जो पुराना केबल जो किस तरह से यहाँ से ये टूट गया है, जिसके वजह से ये जाम हो गया था। तो यहाँ से जब जाम होता था, जिसके वजह से जो बाइक जो है माइलेज नहीं देती, तो यहाँ से देख लीजिए, हमने यहाँ से इसको खोल दिया है और न्यू में फिटिंग करूँगा। जब इसको न्यू में फिटिंग करूँगा तो इससे जो क्या होगा कि जो है आपका माइलेज देने लगेगा बाइक। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइलेज नहीं दे रहा है, तो माइलेज जो है जब चौक खुद ब खुद ही टाइट रहता है, चौक में रहती है बाइक, तो जब भी आप बाइक को चलाएंगे, चौक में चलाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बाइक का जो है माइलेज बिगड़ जाएगा। कोई भी बाइक हो, अगर जिस तरह से केबल दिया है, तो इसमें आप जो अगर माइलेज की समस्या आ रही है, तो सबसे पहले आपको यही केबल को ज़रूर से ज़रूर चेक करना है। अगर आपकी बाइक अगर जो है ये चौक केबल सही है, तो आप एयर फिल्टर को देख सकते हैं। तो एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ हमने खोला है, इसको भी हम क्लीन कर देंगे। बाकी जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम केबल ख़राब था, इसको हम चेंज करके फिर देखेंगे 100% हमारा ये जो है माइलेज की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी इस चैनल पे आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।